हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, आज देखिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे आप जो अमरूद की कलम होती है उसको कौन से तरीके से आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ऑप्शन में जाकर वो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आज हम बांधने वाले हैं एयर लेयरिंग के मेथड से, जैसे नींबू वर्गीय जो पेड़ होते हैं उनमें बांधा जाता है, तो हम गुटी बांधने वाले हैं और आपको पूरा रिजल्ट भी दिखाएंगे साथ में। 2 महीने बाद का हम आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। देखिए, पहले सबसे क्या किया जाता है, जो भी ब्रांच आपको लेनी है वो थोड़ा सा पुरानी ब्रांच हो, लगभग 6 महीने पुरानी अमरूद की ब्रांच होनी चाहिए, शाखा होनी चाहिए। और उसमें देखिए इस तरीके से लगभग 2 सेंटीमीटर लंबाई में, आप 1 इंच का भी कर सकते हैं, 1 इंच की लंबाई में आपको गोलाई से इस तरीके से जो ऊपर का छिकला होता है उसको काट लेना होता है। काटने के बाद वे हटा देंगे, छिकला जो होता है वो हटा लेना होता है। और ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये तरीका आप नींबू में बहुत अच्छे से, जितने भी नींबू संतरा और जितने भी नींबू वर्गीय पौधे हैं उनमें भी अपना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको छील लिया है और इसको चाकू से थोड़ा खुरच देना है ताकि थोड़ी सी जिसकी लेयर जो है वो छिल जाए लकड़ी की। और उसके बाद आपको एक रूटिंग हार्मोन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा का जो जेल होता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पत्ती से निकाला हुआ हो। और ये देखिए, ये जो हमने लिया है ये मॉस घास बोलते हैं, ये मॉइस्चर को होल्ड रखती है, बहुत ही आसानी से इसमें जो है रूटिंग हो जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो कंडा होता है, जो उपला होता है, उसको आप अच्छे से महीन कर लीजिए। महीन करने के बाद उसको भिगो के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हमने थोड़ा रूटिंग पाउडर डाल लिया है। और एक ये काली ये पॉलीथीन हमारे पास है, आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, लेकिन ये पौधा जो है धूप में रखा हुआ है, छत पर है, इसलिए हम यहाँ पर काली पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो रूट होती हैं पौधों की उनका एक नेचुरल तरीका होता है कि वो अंधेरे की तरफ ग्रो करती हैं। जो भी जड़ें होती हैं वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो काली पॉलीथीन है उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से उस मॉस घास को रख के हम यहाँ पर लपेट देंगे और ऊपर से दोनों तरफ से इसको अच्छे से टाइट कस के बांध देना है। अगर आपका कोई भी सिरा इसमें अच्छे से नहीं, एयर टाइट नहीं बंधेगा, तो वहाँ से हवा अंदर चली जाएगी जिससे जो नमी है इसकी मॉस घास की वो सूख जाएगी। हाँ, एक बात और, आपको जो मॉस घास है उसको लगभग 1 घंटे पानी में भिगो के बांधना होता है। भिगोने के बाद हल्का सा आपको निचोड़ दीजिए, जब उसमें मॉइस्चर अच्छा रह जाए तभी आपको बांधना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बांध लिया है। और बांधने के बाद ये देखिए, ये प्लास्टिक आती है बांधने के लिए, आप घर में कोई भी धागा हो या सुतली हो उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ लपेटते हुए इसके बीच की जो सिरा फूला फूला सब दिख रहा है, इसको भी हमें थोड़ा टाइट करके बांध देना है, ताकि ये अच्छे से जो शाखा है उसमें अटैच रहे और वहाँ से जड़ें निकालना शुरू हो जाएं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से बांध लिया है, कसते हुए एकदम इसको ले जाना है और लास्ट में फिर इसको बांध देंगे। ये देखिए, ये प्लास्टिक ऐसी होती है, इसको जितना भी आप खींच दो उतना ये बढ़ जाएगी, लेकिन टूटती नहीं है, और स्पेशली ये कलम बांधने के लिए ही बनाई जाती है। नर्सरी के शॉप पर ये आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मेथड हमने पहली बार ट्राई किया था, बहुत ही सफल रहा, और आपको दिखाने के लिए हम दोबारा ये फिर से कर रहे हैं। ये देखिए, इसी के आगे एक ये हमने पहले से काट ली है। तो दोस्तों, ये देखिए, आज हमको लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस कलम को बांधे हुए, और आज हम इस कलम को काट के देखेंगे इसमें क्या हुआ है। हमको जब इसमें हम टच कर रहे हैं तो लग रहा है कि यहाँ पर हल्की हल्की रूटिंग हो चुकी है, और ठंडी के मौसम में ये थोड़ा कम ग्रोथ होती है जड़ों की। अगर आपको अच्छे से जल्दी रिजल्ट पाना है तो आप अभी फरवरी का महीना आ रहा है उसमें अगर आप करेंगे तो आपको मार्च तक ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हल्की सी जो ठंडी होती है वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ठंडी में सर्वाइव जड़ें जो हैं ग्रोथ कम हो जाती है। तो अगर आप इसकी कलम गुटी बांधना चाहते हैं तो या तो जुलाई से लेकर आप सितंबर तक बांधिए, और नहीं तो फिर आप फरवरी में करिए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मॉइस्चर अभी भी मौजूद है, जो ये घास थी मॉस घास उसमें अभी भी मॉइस्चर है। और ये देखिए, यहाँ पर ये चिपकी हुई है और ये जड़ें यहाँ पर अच्छे से निकल आई हैं। ये देखिए, ये देखो जड़ टूट गई एक दो, बहुत ही आसानी से निकालना होता है क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं।
और बहुत ही मोटी जड़ें निकलती हैं इसमें। जब हमने पिछली बार भी ये लेयरिंग की थी अमरूद में तो बहुत ही मोटी जड़ निकली थी और वो कटिंग हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब। और ये पौधा बहुत ही अच्छा है, इसमें अमरूद बहुत बड़े साइज़ के लगते हैं, वो वीडियो हमने पहले अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी पौधा या आपके दोस्त के यहाँ कोई भी पौधा ऐसा अच्छा मिल जाता है तो आप उसकी इस तरीके से जो लेयरिंग करके भी कलम बना सकते हैं और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा छोड़ते हुए नीचे से हमको काटना है और अभी हम आपको लगाकर भी दिखाते हैं इसको कैसे इसको लगाना है और क्या क्या उस मिट्टी में मिलाना है। ये देखिए इसकी जड़ें देखिए कितनी मोटी निकल रही हैं यहाँ से और ये अब बिल्कुल मरेगी नहीं कलम, बहुत ही अच्छे सर्वाइव करेगी। भले ही यहाँ पे ये देखिए छिकला नहीं है लेकिन ये मरेगी नहीं। तो दोस्तों इसके लगाने के लिए देखिए हमने 6 इंच का ये पॉट ले लिया है, आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, 6 से 8 इंच तक का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कलम लगाने के लिए छोटा पॉट हो तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर थोड़ा कम रुकता है। और इसको आप चाहें तो बड़ा अगर पॉट है, उथला बर्तन है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं तो आप हल्का तिरछा करके इसको लगा दीजिए इस तरीके से तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको कम से कम 10 दिन के लिए बिल्कुल छांव में रखना है। वैसे इस समय ठंडी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ जहाँ रखें, लेकिन अगर आप फरवरी मार्च में लगाएंगे तो लगाने के बाद आपको थोड़े दिन के लिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए आपको छाया में रखना है जिससे ये अच्छे सेटल हो जाए, उसके बाद ही आपको धूप में निकालना है। तो आपकी कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और कभी भी मरेगी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।